परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? इस पर यहां रुक करके एक बात जो बड़ी आपकी मालूमात के लिए बड़ी अहम है वो ये है, हिंदुस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक कानून लाया जा रहा है जिसको यूसीसी कहा जाता है, एक्सान सिविल कोड। उनका कहना है कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, जबकि इस मुल्क के दस्तूर के अंदर, इस मुल्क के आईन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर यह बात लिखी हुई है कि एक मुसलमान, एक जो है इस हिंदुस्तान के एक नागरिक के लिए जरूरी है या उसको यह इजाजत है कि वह अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल कर सकता है। मुसलमान है तो मुसलमानों की एक शरीयत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उस पर वह अमल करे। हिंदू अगर है तो हिंदू ला, उस पर वो अमल करे। क्रिश्चियन अगर है, क्रिश्चियन ला, उस पर वो अमल करे। यानी इस मुल्क के अंदर जब कानून बनाया गया, आईन बनाया गया, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हर आदमी को उसकी आजादी है और अंग्रेजों के इस मुल्क से भगाने के बाद यहां हर कोई आजादी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन कुछ लोगों के जहनों में यह बात आई और उन्होंने जहर घोलना शुरू किया और आज हालात ऐसे हैं, एक्सान सिविल कोड को इस मुल्क में नाफिज करने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरे माने में यह कहा जाता है कि इस मुल्क को तागूती निजाम में बदलने की कोशिश की जा रही है, यानी किताब सुन्नत के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, हम जो कहेंगे उस बात को मानना पड़ेगा। यह तागूती निजाम है, यह तागूती सिस्टम है, मुसलमान कभी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते। जमीयत अहले हदीस का यह फैसला है, जमीयत अहले हदीस का यह मनहज है, जमीयत अहले हदीस का यह तरीकाकार है कि हम मानते हैं तो अल्लाह की किताब कुरान पर और अमल करते हैं तो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा पर, आपकी लाई हुई शरीयत पर अमल करते हैं। और अगर कोई मदाखलत करता है तो कभी भी हम इसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को कि वो इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाए, मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर इत्मीनान और सुकून से जिंदगी गुजारने के लिए राहें हमवार करें। इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, इस मुल्क के अंदर गंगा जमुना तहजीब चलती है, इस मुल्क के अंदर हर मजहब को मानने वाला एक प्लेट में खाता है, एक जगह बैठता है, एक जगह अपनी जिंदगी गुजारता है। इन हालात में एक्सान सिविल कोड लाना, यूसीसी को लागू करना इस मुल्क के हक में फायदा मंद नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आईन इसकी इजाजत देती है तो फिर अगर कोई दखल अंदाजी करते हैं तो इसकी भी इजाजत नहीं। और तीसरे यह है कि एक मुसलमान किताब सुन्नत पर अमल करता है और इसके अंदर दखल अंदाजी कभी भी पसंद नहीं करता। इन हालात में क्या किया जाए? मुसलमानों को सबसे पहले सरापा एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज करने का मतलब यह नहीं कि सड़कों पर निकलो, गाड़ियां तोड़ो, घरों को मारो तोड़ो, हमारा एहतजाज ऐसा नहीं होता। वो ये है, हुकूमत पर तक पहुंचाने के लिए अगर आप कोई मेमोरेंडम देना चाहते हैं या आजकल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से एक कोड निकला हुआ है,
और उस कोड के जरिए से बाकायदा हुकूमत को यह इत्तला दी जा रही है कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है आप इसको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो आज आखिरी तारीख है। आप उस जो है कोड के जरिए से जो है गूगल के जरिए से या दूसरे बहुत सारे ऐप के जरिए से जो है आप इस पैगाम को हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं कि हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। गर्ज बताने का मकसद यह है कि जो कुछ भी हो रहा है यह सही नहीं हो रहा है, और खास करके निशाना मुसलमानों को बनाया जा रहा है। इन हालात में मुसलमानों को संजीदगी के साथ गौर करना है। नारेबाजी से, जलसे जुलूस से, हंगामा आराई से, किसी के खिलाफ बोलने से, किसी को गालियां देने से कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमान हमेशा संजीदगी से काम करते रहे हैं और काम करते रहेंगे। और इस मुल्क को आजाद करने में जहां दूसरों का हाथ है, वहीं सबसे ज्यादा इस मुल्क को अपना खून देने में मुसलमानों का हाथ है। मुसलमानों ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया इस मुल्क को आजाद करने के लिए। अब हमसे यह कहा जा रहा है कि तुम जो है हमारी बातों पर अमल करो और हम जैसे कहते हैं वैसे मानो। हम उसकी और इसकी बात नहीं मानेंगे। हम सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के पाबंद हैं, और दूसरे इस मुल्क के आईन के पाबंद हैं। इस मुल्क के अंदर जो भी होगा वो दस्तूर के मुताबिक होगा, आईन के मुताबिक होगा। तो इसलिए इस बात को अपने जहन में रखें, खुले जहन से सोचने की जरूरत है और खुले जहन से इस बात पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आखिरी बात जो आपके सामने पेश करनी है वो ये है, देखिए एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की जात पर हमेशा भरोसा रखे। और एक बात जहन में रखें, दुनिया में बहुत सारी हुकूमतें आए, दुनिया में बहुत सारे हाकिम आए, दुनिया में बहुत सारे बादशाह आए, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को जलील व खार कर दिया। नमरूद भी आया, अल्लाह ने तबाह कर दिया। शद्दाद भी आया, अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। फिरौन भी आया, अल्लाह ताला ले जाकर के पानी में डुबो करके हिला को बर्बाद कर दिया। इस दुनिया में अबू जहल भी आया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी हिला को बर्बाद कर दिया। और जो लोग जालिम हैं, अल्लाह का वादा यह है कि अगर हम हक पर रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसे सारे लोगों को तबाह बर्बाद करके रहेगा। और एक बात याद रखें, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंसान बहुत सारा मकर करता है लेकिन अल्लाह की तदबीर उस पर गालिब आ जाती है। यह ना समझे इस मुल्क के अंदर एक सांसविल कोड आएगा तो क्या होगा। याद रखें, फैसले हुकूमतें नहीं करती हैं, फैसले हुक्मरान नहीं करते हैं, फैसले अल्लाह ताला करता है। एक मुसलमान का, एक मोमिन का अल्लाह की जात पर भरोसा होना है। डरिए मत, घबराइए मत, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी गुजारिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फैसले जब अल्लाह करता है तो हमको करने की जरूरत कुछ नहीं। हां एक काम जरूर करना है, वो ये है कि हमको अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, नमाजों की पाबंदी करना है, मस्जिदों को आबाद करना है, जितना हो सकता है हलाल इस्तेमाल करना है, हराम से अपने आप को बचाना है। और हमेशा इस मामले को लेकर के अल्लाह तबारक तआला से दुआएं करनी है, क्योंकि दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। तो इसलिए आप दुआएं करते रहें, इबादत करते रहें।